नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारे सवालों का जवाब। तो इन्हीं में से एक ऐसा सवाल है MCA। तो एग्जैक्टली MCA कोर्स क्या है, इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। आजकल देश भर में कंप्यूटर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब लोग ना केवल कंप्यूटर सीखते हैं, बल्कि अपने अधिकतर कार्यों को कंप्यूटर की मदद से ही करते हैं। कंप्यूटर के फील्ड में करियर बनाने के लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के एक कोर्स के बारे में जिसका नाम है MCA कोर्स। जी हाँ, MCA कोर्स क्या है, MCA कितने साल का कोर्स होता है, MCA कोर्स कौन कर सकता है, MCA करने के क्या फायदे हैं, और MCA के बाद में सैलरी कितनी मिलती है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स के द्वारा इंटरनेट पर सर्च किए जाते हैं। तो ऐसे सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि MCA का पूरा नाम मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है जो BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बाद किया जाता है। इस कोर्स को करने में पूरे 3 साल का समय लगता है। MCA कोर्स में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपडेशन के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने या उनके विकास के बारे में स्टडी की जाती है। इसके अलावा MCA कोर्स में एडवांस एप्लीकेशन के लिए बेहतर टूल्स के विकास के बारे में भी बताया जाता है। ये कोर्स 3 साल का होता है तथा इस कोर्स में 6 सेमेस्टर होते हैं। अगर आप भी कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो MCA कोर्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अब जानते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स करने के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप MCA कोर्स करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो, वो भी BCA या BSc यानी कि PCM या BSc IT फील्ड में, या आपको कोई ऐसा कोर्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री देता हो। कुछ कॉलेज में छूट भी होती है कि जब आप 12वीं में मैथ और कंप्यूटर के साथ पढ़ाई करते हैं और आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% नंबर तो होने ही चाहिए। MCA कोर्स में एंट्री के लिए प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जिनमें अच्छे रैंक को ला करके आप अच्छे कॉलेजेस में एंट्री ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में मेरिट के आधार पर भी एंट्री होती है। MCA के प्रवेश परीक्षा में मैथमेटिक्स, एनालिटिक्स एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, इंग्लिश में प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ ही में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के फील्ड में करियर बनाने के लिए गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की पढ़ाई करना उचित रहता है। इसके बाद छात्र MCA कोर्स आसानी से कर सकते हैं। अब बात करें MCA करने के फायदे के बारे में, तो MCA कोर्स करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। इस कोर्स को करने के बाद छात्र किसी भी बड़ी या छोटी IT कंपनी में सिस्टम डेवलपर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट के रूप में अपना करियर बना सकते हैं, और आप खुद की कंपनी को शुरू कर सकते हैं। विदेशों में भी नौकरी कर सकते हैं। कॉलेज में टीचर के तौर पर आप पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हम एक बात और कहना चाहेंगे कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, और हमें किसी भी पढ़ाई के फायदे को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ज्ञान के लिए होती है। जी हाँ, MCA कोर्स करने के बाद सैलरी का सवाल है, तो MCA करने के बाद आप आराम से 20,000 से 30,000 की नौकरी पा ही जाते हैं, और बाद में अनुभव के साथ कंपनी के हिसाब से पेमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा खुद का बिजनेस भी चला सकते हैं। अब बात करें MCA के बाद करियर की संभावनाओं की, तो MCA कोर्स करने के बाद छात्रों को कई फील्ड में रोजगार मिल जाता है। ये कोर्स कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है तथा आजकल कंप्यूटर का काफी चलन हो गया है, इसीलिए इस फील्ड में करियर आसानी से बनाया जा सकता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, नेटवर्किंग कंपनीज, बैंकिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस कंपनीज, टेक्निकल सपोर्ट एंड वेरियस कंपनीज, स्कूल एंड कॉलेजेस। अब बात करते हैं टॉप 10 MCA कॉलेज के बारे में जो कि इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर MCA से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाता है, जिससे छात्र अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU न्यू दिल्ली, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी PAU लुधियाना, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज MCC चेन्नई, द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस TOCS बैंगलोर, KJ सोमिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च यानी कि SIMSR मुंबई, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT MESRA रांची, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU रोहतक, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर। MCA से संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब आपकी बहुत मदद करेंगे, जैसे कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स में कितने सेमेस्टर होते हैं। इसका जवाब है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स 6 सेमेस्टर का होता है।
जैसे सवाल हो सकता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स करने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर 60% अंकों से स्नातक होना अनिवार्य होता है, ये है इसका जवाब। या फिर छात्र किसी भी स्ट्रीम से स्नातक हो लेकिन छात्र के पास 12वीं के स्तर पर गणित विषय का होना जरूरी होता है। तीसरा सवाल, MCA के बाद करियर की संभावनाएं किस फील्ड में है, तो इसका जवाब है कि MCA के बाद सॉफ्टवेयर कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, नेटवर्किंग कंपनीज आदि जगहों पर अपना करियर बना सकते हैं। और चौथा सवाल, MCA कोर्स करने के बाद कौन सी जॉब कर सकते हैं, इसका जवाब है MCA कोर्स करने के बाद आप सिस्टम डेवलपर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट आदि जॉब कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, ये था MCA के बारे में बहुत सारी जानकारी डिटेल में। आगे किस बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर के जरूर बताएं, और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी बताएं। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी फिर ऐसे ही सवाल के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस यूं ही देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे बाकी सबके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी अपडेट्स के लिए, ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।